आप सबका स्वागत है एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेलिंग सेशन में। एलिमेंट्स ऑफ सेलिंग को समझने के लिए चलिए पहले कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आप उसकी किन क्वालिटीज को परखते हो? चाहे वो बाइक हो, मोबाइल हो, खाने का सामान हो, फ्रिज हो या कपड़ा हो। और ये भी सोचिए, आप क्या उम्मीद करते हो उस व्यक्ति से जो उस प्रोडक्ट को बेचता और सर्व करता है। अब प्रोडक्ट क्वालिटीज में सारे फिजिकल एलिमेंट्स परखे जाते हैं, जैसे कि डिजाइन्स, फीचर्स, टाइप्स, वो सारे जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और बेचने वाले व्यक्ति से नॉन फिजिकल एलिमेंट्स की उम्मीद करते हैं, जैसे कि भरोसा, अच्छी तरह से बातचीत करना, मजबूत रिश्ता बनाना, वो सारे जो हम महसूस कर सकते हैं और उसका एक अनुभव ले सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेलिंग को ध्यान रखते हुए कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए तीन कंपोनेंट्स ऑफ सेलिंग की तैयारी होनी चाहिए। एक, प्रोडक्ट नॉलेज, दो, कस्टमर नॉलेज और तीन, सेलिंग स्किल। क्या आप गेस कर सकते हैं प्रोडक्ट नॉलेज, कस्टमर नॉलेज और सेलिंग स्किल्स में क्या आता है? प्रोडक्ट नॉलेज, ये सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि कंपनी और कंपटीशन की प्रोडक्ट नॉलेज और हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कितनी बेहतरीन है उसकी नॉलेज रखने बताता है, जिससे हम कस्टमर को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं जब भी कस्टमर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के बारे में बताता है। कस्टमर नॉलेज यानी कस्टमर प्रोफाइल बेस और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के लीड के बारे में जानकारी रखना, ये सिर्फ कस्टमर को जानने के बारे में नहीं बल्कि एक मजबूत कस्टमर बेस बनाना और उसमें से प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स छांटना जो अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने में दिलचस्प रखते हैं, इसके बारे में जानकारी रखने बताता है। सेलिंग स्किल्स यानी कस्टमर्स की जरूरतों को समझना और उसी से संबंधित सॉल्यूशंस प्रस्तुत करना, अच्छा सर्विस देना, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने की काबिलियत के बारे में नहीं है, यह कस्टमर की जरूरतों को पूरा करने की काबिलियत होने के बारे में बताता है। सेलिंग वो है जहां आप कस्टमर को वो देते हो जो उन्हें जरूरत है, ना ही कि वो जो आप बेचना चाहते हो। इन दोनों में काफी अंतर है। हमेशा याद रखिए, देना वही है जो कस्टमर को चाहिए। ये कैसे संभव है? ऑफ कोर्स, एलिमेंट्स ऑफ सेलिंग यानी कि फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एलिमेंट्स को ध्यान रखिए और कंपोनेंट्स ऑफ सेलिंग यानी कि प्रोडक्ट नॉलेज, कस्टमर नॉलेज एंड सेलिंग स्किल्स को डेवलप करके। धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग।